नमस्कार दोस्तों, मैं रीना भारती। देखिए, एक बेहद खूबसूरत, खुशहाली दिखाने वाली और संपन्नता दिखाने वाला फूल जो है, ये बेल आपको, इसकी बेल से आज आपको मिलाने के लिए जा रही हूँ। ये है टिकोमा ट्रम्पेट जिसे कहते हैं, और कितनी खूबसूरती से ये जो है एकदम से लटक के दीवार के बाहर, और अपनी जो फूल है वो ये देखिए कितने अच्छे इसके गुच्छे में, बंच में इसके जो है फ्लावर आने वाले होते हैं। किस तरह से अपने आप से ये फ्लावर जो है आने वाले होते हैं, और एक नहीं अनेकों फूल जो है इसमें गुच्छे के अंदर ये आते हैं। ये जो बेल है ये गर्मी के अंदर बहुत अच्छे से ब्लॉसम होती है, और गर्मी के अंदर इसमें बहुत सारे फूल जो हैं वो लगते हैं, और इसको लगाना बेहद आसान होता है। ये एक कटिंग से लगने वाली जो है बेल है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जो बेल है आप लगा सकते हैं इसे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ बेल को लगाने का जो तरीका है वो क्या है, कि आप इस बेल को कहीं से, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटी सी ये जो रूट्स निकली हुई दिख रही हैं, इसका जो पेड़ है ये लगा हुआ है और इसमें ये छोटी छोटी सी रूट्स दिख रही हैं आपको, तो यहाँ से कोई भी एक पेंसिल साइज आप इसकी कलम ले लीजिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक कलम आप ले लीजिए, जिसमें इस तरह से ये जड़े ये क्रीपर को आगे चढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। बस इतनी सी इसकी डंडी लेके आप इसे जो है पानी में इसको डाल दीजिए। इस तरह से कोई भी कंटेनर आप ले लेंगे पानी का और उसमें इसको डाल देंगे, तो आप देखेंगे कि 10-15 दिन में इसमें रूटिंग शुरू हो जाएगी। एक तो इसका तरीका ये है कि आप किसी भी पानी के कंटेनर में इसको रख के चला सकते हैं, बेल को बना सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि ये जो नोड एरिया जो इसका होता है, इसके पास में से आप जो है छोटी छोटी सी इसकी डंडी ले लें, कलम इसकी तोड़ लें और मिट्टी के गमले में इसे लगा दें। तो जब भी आप कलम लगाएं, 4 या 5 इसमें लगाएं, ताकि आपके जो है पास में 4-5 जो हैं पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, और ये नोड एरिया ही इसका जो है रूट होता है। इस तरह से अगर आप नोड एरिया के पास में से इसकी कलम लेंगे तो ये बहुत जल्दी से लग जाएगा। तो ये एक बहुत ही हरी भरी, और वैसे तो ये सदाबहार बेल है, पूरे आप जो है ये साल भर ये इसी तरह से लगी रहती है, लेकिन ये एक जो है आउटडोर बेल है, घर के अंदर नहीं इसको लगा सकते। इसके लिए पूरा जो है आपको सनी एरिया चाहिए, जहाँ बहुत अच्छी धूप जो है वो आए, तब इसमें जो है बहुत सुंदर फूल आते हैं। तो अगर आप लोग इसको जो है, एक तो बेल के रूप में आप इसे चला सकते हैं, और दूसरा जो है आप इसे बुश के रूप में भी बना के रख सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो इसे एक जो है बुश के रूप में आप चला सकते हैं गमले के अंदर। गमला थोड़ा सा आप इसे बड़ा लेंगे, मैं उसके लिए आपको एक अलग से भी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि इस बेल को, टिकोमा को आप कैसे गमले में भी लगा सकते हैं, और ढेरों जो है इससे फूल आप जो है ले सकते हैं। इसको आप अभी इस मौसम के अंदर, यानी कि जून का जो ये बिल्कुल आखिरी सप्ताह चल रहा है, तो इस मौसम में आप इस बेल को जो है इसकी कटिंग लगाना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही बरसात आएगी ये अपनी जो है जड़ें फैला लेगी, और बरसात के मौसम में ये बहुत सुंदर तरीके से जो है लगना शुरू हो जाती है। एक बार आप लगा दीजिए, देखिए ये पुरानी बेल है, काफ़ी पुरानी बेल है, और ये कितने इसकी जो है अपने आप से इसमें से कितने सारे जो है ये निकलती चली जा रही हैं डंडियाँ आप देख रहे हैं, और ये फैलता चला जाता है, जहाँ जगह मिलती है ये अपना रास्ता बना लेती है। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो आप इसे गमले में लगा के और किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ से ये नीचे की तरफ जो है, क्योंकि इसकी जो ये डंडी आप देख रहे हैं ना, ऊपर जाने की बजाय ये नीचे ही गिरती है। तो आपको, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आपके पास में खुली जगह नहीं है और आपका ये बेल लगाने का मन है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, इसे गमले में लगा दीजिए, क्योंकि धूप में इसको रखना है, इनसाइड तो रखना नहीं है। तो आप पूरी तरह से इसे धूप में रखेंगे तो ये ऐसे नीचे की तरफ लटकती चली जाएगी,
और जो है ये बंच में आपको ये फ्लावर जो है इसके दिखाई देते जाएंगे। तो दोस्तों ये टिकोमा वाइन कहते हैं घर की प्रॉस्पेरिटी दिखाती है, घर में एनर्जी इससे आती है, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है कि जैसे ही कोई आपके घर में एंटर करेगा तो आपको ये प्रॉस्पेरिटी जो है आपकी प्रॉस्पेरिटी एकदम से देखने को मिलेगी। बहुत ही एनर्जेटिक बेल होती है, अपने आप से बढ़ने वाली बेल होती है और इसका फूल जो होता है वो बहुत सुंदर होता है। दोस्तों इसका रंग जो आप देख रहे हैं ये चार रंगों में मिलती है, एक सफ़ेद होता है, एक पीला होता है, एक गुलाबी होता है और एक ये जो है ऑरेंज जो है इसमें हल्का ऑरेंज भी होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ से ये डार्क होता है। तो इस तरह से इस बेल को आप अपने घर में जगह दे सकते हैं। अगर आपके आपका घर पूरा पक्का है, उसमें कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक जो है छोटी सी टाइल भर जगह जो है उसमें इसको लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत कम जगह के अंदर लगती है और फिर बाहर जाके जो है ये फैलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये बेहद खूबसूरत, दिखने में सुंदर और जो है ऊर्जा देने वाली और अपने आप से लो मेंटेनेंस में ये चलने वाली, दोस्तों ये हिंदुस्तान के हर कोने में लगती है। भारत देश में आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, ये सब जगह लगने वाली है। तो इसके लिए जलवायु और मौसम का कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए ये किसी भी मिट्टी में लग जाती है और देश के किसी भी कोने में ये आराम से लगने वाली बेल है। तो इस तरह की बेल को आप लगाइए, अपने घर में स्थान दीजिए फूलों के। अगर आप शौकीन हैं तो इस बेल को ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको अपने अगले वीडियो में फिर किसी और इसी प्रकार खूबसूरत बेल के बारे में दिखाऊंगी जो कटिंग से लग जाती है। अगर आपको कटिंग अवेलेबल नहीं है तो आप नर्सरी से भी छोटा सा जो है इसका पौधा मंगा सकते हैं और बेहद सस्ता इसका जो है पौधा नर्सरी से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से फूलों के पौधे लगाइए, अपने आसपास खुशहाली रखिए, समृद्धि रखिए और अपने मन के अंदर ऊर्जा बना के रखिए। तो अपने अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपको, तब तक दोस्तों नमस्कार।